हाँ भाई क्या हाल है क्या वीडियो बना रहे हो? हाँ यार, इस बार मैंने अपने इंस्टा पे तो वहाँ पे काफी सारे लोगों ने क्वेश्चन भेजे तो मैं सोच रहा हूँ क्यूँ ना कब शूट कर रहे हो बस यार करता हूँ एक दो दिन में करूँगा को तो वीडियो डालते हो और आज ट्यूसडे हो गया तो कब करोगे ट्यूसडे आज हाँ भाई क्या बात कर रहा है म्यूजिक इंडस्ट्री में पैसा कैसे कमाया जाए ऑडियो ट्रैक में क्वालिटी नहीं आ रही वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि सब सवालों का जवाब आज मैं दूंगा दे दूंगा पक्का सो so, आज ब्यूटीफुल डे है बाहर गर्मी शुरू हो चुकी है बट आई नो इट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है व्हाट्स अप गाइस वेलकम टू द चैनल मैं हूं हैरी इट्स ब्राइट सनी डे मुझे गर्मी इतनी पसंद नहीं है बट इट्स ओके एनी वे इज मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन शुरू करते हैं पहला जो कि है अंकुश अंडस्को आर डी बी जिसने भेजा है इंस्टाग्राम पे मुझे ये क्वेश्चन बेस्ट बजट रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट फॉर रैप सॉन्ग अंडर एट थाउजेंड सो अंकुश बेस्ट बजट सेटअप फॉर रिकॉर्डिंग ऐसा कुछ रैप के लिए पर्टिकुलर नहीं है बट हाँ अगर आपका बजट लाइक पाँच छः हज़ार तक है तो मैं रेकमेंड करूँगा कुछ मे बी बहरिंगर का माइक आप ले सकते हो या श्योर के माइक्स आते हैं बट श्योर के डायनेमिक माइक्स आएंगे अगर आप कंडेंसर माइक लेना चाहते हो जो कि ज़्यादा क्वालिटी देता है तो आई थिंक यू कैन गो फॉर अ बहरिंगर माइक विच इज़ अ वेरी गुड कंपनी मैं पर्सनली बहरिंगर का बी टू प्रो माइक यूज़ कर रहा हूं विच इज अराउंड अराउंडीन टू एटीन थाउजेंड रुपीज एंड uh, बहुत ही माइक है आपका बजट आठ हजार तक है तो मैं रेकमेंड करूंगा सी वन माइक जो कि बहरिंगर का है आई थिंक चार पांच हजार रुपए का आता है ए के जी का एक माइक आता है पी वन ट्वेंटी मैं सजेस्ट करूंगा आप यूट्यूब पर जाओ और इन माइक्स के रिव्यू चेक करो बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी और जो आपको सबसे बेस्ट लगे माइक आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गो फॉर इट हाँ कोशिश करना कंडेंसर माइक लो बिकॉज कंडेंसर माइक की क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा बेटर होती है डायनेमिक माइक्स जो होते हैं जो हम अक्सर स्टेज पे परफॉर्मेंस को देखते हैं पकड़े हुए वो थोड़े से स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए माइक्स होते हैं मतलब वो ज़्यादा इतनी डिटेल कैप्चर नहीं करते आवाज़ में जो कंडेंसर माइक कैप्चर करेगा और अगर आप थोड़ा सा बजट और इंक्रीज़ कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपके लिए रोड के माइक्स हैं जो कि 10 या बीस हज़ार की रेंज में मिल जाएंगे सो so, बजट पे डिपेंड है अगर आपका बजट थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो तो और ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे मूविंग ऑन अगला क्वेश्चन है शर्मा हा हा, हा। वाह व्हाट अ नेम इंस्टाग्राम पे ये क्वेश्चन मुझे मिला है बोलेरो से कब अपग्रेड करनी है बोलेरो से अपग्रेड करना यार अभी कुछ सोचा नहीं है बोलेरो मेरे को पर्सनली आई थिंक आई एम सेटिस्फाइड विद माय कार अब बात यह है कि मुझे बड़ी गाड़ियाँ पसंद हैं लाइक एस तो मेरे बजट में जो फॉल कर रही थी वो बोलेरो ही थी सो so मैंने कहा अब इंडियन जी वैगन ले, ले लेते हैं बेसिकली इट्स लाइक अ जी वैगन ओनली थोड़ी जी वैसी लगती है सो so मैंने बुलेरो ले ली ट्रस्ट मी मैं बहुत सेटिसफाइड हूँ अपनी कार से बिकॉज मैं जहाँ भी सोचता हूँ ना मेरे को जाना है मैं बस आंखें बंद करके बस अपनी गाड़ी उठाता हूँ और ले जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे को कोई दिक्कत आने नहीं वाली इस गाड़ी में तो so, अपग्रेड करने का भी कोई इरादा नहीं है बट मे भी पैसे आगे आगे जाके तो पता नहीं में भी हाई ग्राउंड क्लियरेंस और सब कुछ है मतलब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है और इंडियन ब्रांड है यार अपना महिंद्रा तो so, अगला सवाल है शॉर्ट बाय एम की तरफ से अगेन इंस्टाग्राम पे आया है पहली वीडियो जब बनाई सी तब कितना टाइम लग गया एडिटिंग नू तो ग्रेडिंग सबसे पहली जब मैंने वीडियो बनाई थी आई थिंक uh, मुझे याद नहीं काफ़ी साल हो गए यार आई थिंक टू एंड ट्वेल्व में मे बी थर्टीन में मैंने अपना पहला प्रॉपर कमर्शियल वीडियो बनाया था जो मेरे खुद का था सो so, उसको मैंने एडिट किया था और आई थिंक मुझे एक दो से तीन दिन लग गए थे बिकॉज मैं एक्चुअली उस टाइम सीख रहा था एडिटिंग सो so, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी उस टाइम सॉफ्टवेयर भी मुझे इतना पता नहीं था ज़्यादा आई थिंक सोनी वेगस प्रो पे मैंने एडिट किया था सो so, ग्रेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं आती थी कलरिंग और मैं मतलब ट्राई करता था कि नेट से देख के सीखूं बट हाँ बहुत टाइम लग गया था पहली बारी तो तीन चार दिन लग गए थे पर आजकल मैं वीडियो कर देता हूँ यार अब थोड़ा मतलब हाथ सा बैठ गया है मतलब थोड़ा यू नो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आई ए बी आई ई एक्स मुझे नहीं पता कैसे प्रोनाउंस करना इसको। question है इसको क्वेश्चन है सर जी यू लाइक सिंगिंग और रैपिंग वेल रैपिंग तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आप सब जानते हो मैंने ही रैपिंग से की थी बट हाँ सिंगिंग में अभी मैं कुछ एक्सप्लोर कर रहा हूँ अपने आप को अपनी आवाजें ट्राई कर रहा हूँ अलग अलग करके आ, मतलब सिंगिंग में मैं अपना हाथ आज़मा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा तो मैं एक्चुअली इंजॉय कर रहा हूँ सिंगिंग को बट uh, हाँ मैंने कहीं फॉर्मल ट्रेनिंग कहीं से नहीं ली है बट यू नो मैं कुछ अभी म्यूजिक पे जो काम कर रहा हूँ और अपने जो मैं गाने बना रहा हूँ उसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं सिंगिंग uh, थोड़ी सी करूँ और uh, अपनी वोकल के साथ थोड़ा सा और क्रिएटिवली उसको मैं उससे खेलूँ तो लेट्स सी बट रैपिंग इज ऑलवेज माई फर्स्ट लव एज यू गैज नो आप बहुत सालों से मुझे सुनते आ रहे हो तो आई थिंक 2009 में मैंने पहला अपना ट्रैक किया था जो कि था चल जूठी इंडियाज़ गॉट टैलेंट सब जानते हैं तो तब से आप सब मोस्टली मेरे साथ जुड़े हुए हो और रैपिंग तो शुरुआत से वहीं से की थी और सबसे पहला रैप मैंने लिखा था इंग्लिश में सो हाँ सो यही कहना चाहूँगा सिंगिंग मैं इन्जॉय कर रहा हूँ बट हाँ रैपिंग इज़ माई फर्स्ट लव और वो हमेशा रहेगा अगला सवाल एम ए एस डायरेक्टर हमारे मानसवी भाई बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं काफ़ी कमर्शियल वीडियोस बनाई हैं उन्होंने इंडस्ट्री में और इनका सवाल है हाउ टू मेक अ देसी बैंगर देर इज़ नो प्रोड्यूसर टीचिंग दैट गुड क्वेश्चन एक्चुअली मैंने काफ़ी पंजाबी ट्रैक्स बनाए हैं अभी काफ़ी साल पहले तक मैं कर भी रहा था काफ़ी पंजाबी म्यूज़िक और कमर्शियल म्यूज़िक मैंने काफ़ी बनाया कुछ ट्रैक्स मेरे ऑनलाइन अवेलेबल हैं जैसे कि जटवाद है एक रह मीर के साथ मैंने गाना किया था और पंजाबी गानों में बेसिकली क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो सारी मतलब रिदमिक uh, हो चाहे यू नो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है कुछ भी है कोशिश करो कि आप लाइव इंस्ट्रूमेंटेशन करवाओ बिकॉज होता क्या है हम हम स्टार्ट करते हैं जब ट्रैक तो हम यूजुअली चाहते हैं कि हम लूप्स डाउनलोड करके बना लें लूप्स मिल जाती हैं बट अगेन उनका स्केल पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है आप में से शायद काफ़ी लोग ना जानते हो जो ढोल ढोल की और ये सब जितने भी रिदम वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सब स्केल में होने बहुत जरूरी हैं मुझे भी नहीं काफ़ी साल तक पता पहले तक पता था कि ये इनको स्केल में करना पड़ता है गाने के हिसाब से बेसिकली आप अपना गाना लो और उसको एक स्टूडियो में जाओ म्यूजिशियंस को बुलाओ और उस पर लाइव रिकॉर्डिंग करवाओ बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और दैट इज़ आई थिंक द बेस्ट अप्रोच यू कैन गो फॉर और अगर आप देखना चाहते हो कि देसी ट्रैक कैसे बनाया जाता है आई कैन शो इट यू गाइज आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दिस सो सो इफ यू वॉन्ट अ सी दै कॉमेंट में मुझे जरूर बताना एक पंजाबी बैगर ट्रैक बना लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्राम दीप जसवाल जो कि उन्होंने फेसबुक पर पूछा है और ये कह रहे हैं हाउ टू इंक्रीज़ क्रिएटिविटी बहुत अच्छा सवाल है आई थिंक क्रिएटिविटी तो वैसे तो अंदर से ही इनबिल्ट होती है ये चीज़ आई I मीन mean, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी भगवान ने दी है तो आपको कोई नहीं रोक सकता उसको एक्सप्रेस करने से हाँ अगर आप क्रिएटिव ब्लॉक में आ जाते हो जैसे कि मैं अक्सर आ जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली कुछ डिफरेंट करता हूँ जो कि उससे बिल्कुल हटके हो ताकि मेरा माइंड एकदम रिफ़्रेश हो जाए अब क्रिएटिविटी इन्हांस करने के लिए म्यूज़िक सुन सकते हो आप बुक्स पढ़ सकते हो और जो भी आपको जो आपके माइंड को बेसिकली स्टिमुलेट करे मतलब माइंड को एक तरह से आ, उसको फ्रेश करे तो वो कुछ भी हो सकता है म्यूज़िक सुनना किताबें पढ़ना वीडियो गेम खेलना मैं काफ़ी साल पहले तक वीडियो गेम भी खेलता था और मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाओ घूमो फिरो यू you नो know, uh, कुछ अच्छा खाओ बनाओ आई I मीन mean, कुछ भी एनी थिंग दैट इंस्पायर्स यू और आई थिंक म्यूज़िक में सबसे अच्छी ऑप्शन ये होगी जो आपके फेवरेट आर्टिस्ट्स हैं उनको सुनो उनसे इंस्पिरेशन मिलेगी मैं क्या करता था मैं कुछ साल पहले तक मुझे ज़्यादा मतलब इंग्लिश गाने इतने समझ नहीं आते थे तो मैं यूजली ऑनलाइन जाता था गूगल पर और लिरिक्स सर्च करके और लिरिक्स निकाल के साथ साथ पढ़ता था और फिर मेमोराइज़ भी करता था और फिर साथ साथ रैपिंग करता था तो मेरे को लगता था कि हाँ मतलब इससे ना मेरी मेरी एक तो वोकेबलरी बढ़ेगी और हाँ एक तो क्रिएटिविटी भी मतलब मेरी इंक्रीज होगी इन अ वे कि मुझे फ्लोज समझ आएंगे किस तरह से रैप का फ्लो होगा बिकॉज मैं उसके साथ साथ कर रहा हूँ तो आई थिंक ये इस तरह की आप चीज़ें कर सकते हो जो कि आपको क्रिएटिव रखेंगी और आपके माइंड को भी फ्रेश रखेंगी कभी भी किसी चीज़ को पुश मत करो अगर क्रिएटिविटी नहीं आ रही तो कोई बात नहीं भाई उसको रहने दो भी फिलहाल लेट इट गो कम बैक टू इट अ लिटिल लेटर और फिर आप देखोगे कि रिजल्ट्स विल बी डिफरेंट क्रिएटिविटी को पुश मत करो उसको नेचुरली आने दो और अपने माइंड को फ्रेश रखो चीज़ें देखो जो कि क्रिएटिव हों उनसे आपको इंस्परेशन मिलेगी अगला सवाल बलविंदर सिंह की तरफ से जो कि कह रहे हैं वट आर दी पी सी रिक्वायरमेंट्स फॉर बिगिनर्स इन प्रोडक्शन डज मॉनिटर आर कंपल्सरी इन बिगिनिंग विच माइक्रोफोन्स आर बेस्ट फॉर बिगिनर्स पी सी रिक्वायरमेंट्स बिगिनर्स के लिए आई थिंक मैं सजेस्ट करूंगा कम से कम आठ जी बी रैम होनी बहुत जरूरी है आठ जी बी से स्टार्ट करो और काफ़ी साल तक आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मतलब रैम की तो आठ जी बी से स्टार्ट करो और डिपेंडिंग ऑन योर सॉफ्टवेयर और डिपेंडिंग ऑन uh, मतलब कितना हैवी आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो वो चीज़ आपकी रैम कंज्यूम करेगी सो आई थिंक शुरुआत में आठ जी गुड इनफ एंड मे बी हैव अ आई फाइव प्रोसेसर आई फाइव कम से कम रखो आई फाइव से ऊपर हो तो ज़्यादा अच्छा है बट हाँ आई फाइव से नीचे हो तो थोड़ा सा लैग आएगा या थोड़ा सा मतलब लेटेंसी आएगी जो लेटेंसी आप समझते हो ना जब आपने बटन दबाया तो कुछ सेकेंड बाद वहाँ पर आवाज़ बजेगी तो वो चीज़ आएगी मतलब वो हमें अवॉइड करनी है तो रैम अच्छी हो कम से कम एट गीगा बाइट्स और कम से कम आई फाइव या i5 से ऊपर और इसके अलावा जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उसमें फालतू के वी एस टी मत इंक्लूड करो जो यूज़ कर रहे हो वही रखो उसमें जो आपको प्लग इन आते हैं चलाने सिर्फ वही रखो क्योंकि ट्रस्ट मी मैंने बहुत साल हो गए मैंने काफ़ी चीज़ें इकट्ठी कर ली थी बहुत गंद भरा हुआ था सिस्टम में तो बहुत आ, मतलब स्लो भी हो जाता है उस वजह से सो तो वो चीज़ मत करो जो चीज़ चाहिए सिर्फ वो रखो और कम से कम स्टेम्स भी रखो ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है ज़्यादा बड़ा ना हो कोशिश करो जितना उसको क्लीन रख सको मतलब एक सेशन को जो सेशन बेसिकली क्लीन का मेरा कहने का मतलब है कि ट्रैक्स आपके ज्यादा ना हो मतलब अननेसेसरी ट्रैक्स ना हो क्योंकि वो अल्टीमेटली लोड पड़ेगा आपके सिस्टम पे जो कि फिर क्रैश भी हो सकता है और क्रैश होने का आपको पता है फिर क्या होता है विंडोज़ दोबारा लोड करनी पड़ती है सारा कुछ उड़ जाता है डेटा भी क्रैश हो जाता है कई पंगे बढ़ जाते हैं तो क्यों पंगे लेने आराम से बनाओ हल्का रखो सिस्टम थोड़ा साफ सुथरा काम करो और इंजॉय करो और मॉनिटर्स के लिए मैं ये बोलूँगा शुरुआत में यू डोंट नीड मॉनिटर्स आई मीन मॉनिटर्स एंड फॉर ऑफ यू डोंट नो मॉनिटर्स बेसिकली मैं स्पीकर्स को बोल रहा हूँ स्पीकर्स प्रोफेशनल स्पीकर्स आते हैं आई हैव या जो एच एस एट और के आर के के अच्छे स्पीकर्स हैं बट शुरुआत में ज़रूरत नहीं है यू कैन गो फॉर अ गुड पेयर ऑफ़ हेडफोन्स अगर आपके पास अच्छे हेडफोन्स हैं तो काम बन जाएगा मैं सजेस्ट करूँगा हेडफोन्स में ऑडियो टेक्निका मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ ये वाले हेडफोन्स हैं बहुत साल हो गए मुझे यूज़ करते हुए ये है ए टी एक्स ए टी एच सॉरी ए टी एच एम फिफ्टी एक्स these are my favorite headphones so these are one of the best headphones for mixing and for reference so I think you can go for this if you can ये headphones मैंने I think लिए थे करीब 10000 हज़ार ke के जब लिए थे काफ़ी साल हो गए think 3 तीन चार साल हो गए उसके पहले लिए थे अभी पता नहीं itna hi ho ही हो सो mein शुरू में आतम में जरूरी नहीं है पैसा हो धीरे धीरे पैसा कमाओ मतलब इकट्ठे करो पैसे और मोनीटर्स ले, ले लेना बट अभी फ़िलहाल आई थिंक हेडफोन्स लो अच्छे हडफोन्स लो और काम बन जाएगा ओके सो अगला सवाल है क्षितिज म्यूजिक की तरफ से जो कि उन्होंने भेजा है इंस्टाग्राम पे और वो कह रहे हैं हाउ टू स्टार्ट स्टेबल इनकम इन दिस फील्ड स्टेबल इनकम जनरेट करने के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हो तो बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप कर सकते हो पैसा कमाने के लिए म्यूज़िक लाइन में जैसे कि आप किसी आर्टिस्ट के साथ प्रोडक्शन में काम कर सकते हो उनके लिए गाने बना के उनके लिए प्रोजेक्ट्स तैयार कर सकते हो और उसके इंटर्न आप पैसे मांग सकते हो आप किसी कंपनी के साथ एक बॉन्ड साइन करके उनके साथ काम कर सकते हो आप रेडियो इंडस्ट्री में काम कर सकते हो जिसमें कि जिंगल्स और एड्स बनती हैं आप टीवी इंडस्ट्री में काम कर सकते हो जो ऑडियो प्रोग्रामिंग का काम होता है और इसके अलावा अगर आप परफॉर्म कर सकते हो आप इंस्ट्रूमेंट लाइव बजा सकते हो जो कि मैं नहीं बजा सकता अभी तक अगर आप वो बजा सकते हो तो आप लाइव शोज़ कर सकते हो जो कि सबसे बड़ी आज की डेट में इनकम सोर्स है एक आर्टिस्ट के लिए एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर के लिए एक परफॉर्मर के लिए क्योंकि अब सीडी तो बिकती नहीं सारा कुछ पेन ड्राइव्स में ऑनलाइन फ्री है मतलब आपको म्यूज़िक कोई आजकल खरीद ही नहीं रहा सैड टू से एनी आप लाइव शोज करो आप अपनी बीट्स ऑनलाइन सेल कर सकते हो स्ट्रीमिंग साइट्स पे अपलोड कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप पैसे कमा सकते हो बट हाँ एक अप्रोच होना प्रॉपर तरीके का बहुत ज़रूरी है सो so, दिमाग में प्लान होना चाहिए कि मेरे को करना क्या है अगर आप म्यूज़िक प्रोड्यूसर हो तो अपनी प्रोफाइल बिल्ड करो सबसे पहले बिकॉज़ कहीं भी आप जाओगे सबसे पहले वो पूछेंगे आपने क्या काम किया है अपना काम दिखाओ सो काम दिखाने के लिए एटलीस्ट आपके पास आपका प्रोफाइल एक रेडी हो हैंडी हो तो बहुत ईजी रहेगा जिसमें कि सात आठ गाने आपके बेस्ट वाले हों उनको प्रजेंट करो अपने आप बारे में कॉन्फिडेंटली बताओ अगले बंदे को इम्प्रेस होना चाहिए और उसको दिमाग में आना चाहिए कि यार ये बंदा प्रोफेशनल है इसका काम तैयार है और इसका काम बोलता है तो काम बोलना बहुत ज़रूरी है तभी आपको पैसा कोई देगा अब देखो नए बंदे पे कोई पैसा लगाना नहीं चाहता आज की डेट में जो भी प्रोड्यूसर्स हैं जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सब जो चीज़ ऑलरेडी चल रही है जो चीज़ ऑलरेडी हिट है उस पर पैसा लगा के उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि उस चीज़ में पैसा डूबने का खतरा बहुत कम हो जाता है अब नए बंदे पर रिस्क है नए बंदे को कोई जानता है नहीं उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी उसका सब कुछ करना पड़ेगा अब कोई बंदा जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है जो इंडस्ट्री में चल रहा है उसके साथ काम करना बहुत ज़्यादा ईजी है अपने आप को आगे लाना थोड़ा सा टफ हो जाता है बट हाँ इट्स नॉट इम्पॉसिबल जब भी आप इस गेम में उतर रहे हो तो अपनी तैयारी पूरी रखो अपनी प्रोफाइल बिल्ड करो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन टू गो फॉर अगला सवाल है अक्षर म्यूज़िक की तरफ से जो कि इंस्टाग्राम पे भेजा उन्होंने और पूछ रहे हैं वट कैन वी डू टू गेट गुड क्वालिटी इन अ ट्रैक क्वालिटी बनाने के लिए सबसे पहले है आपकी साउंड सिलेक्शन क्या है जैसे होता क्या है अब हम एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं हम उसके साथ आ, कुछ पैड साउंड लेयर कर देते हैं अब वो आपस में वो साउंड्स कई बार नहीं मैच हो रही होती तो उनकी जो टोनल क्वालिटीज़ हैं जो सोनिक्स हैं मतलब जो उनकी साउंड है ओवरऑल जो बेसिक साउंड है वो आपस में दोनों मैच नहीं होती तो कहीं ना कहीं वो सुनने में थोड़ी सी इरिटेटिंग लगती है साउंड सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू सेलेक्ट द साउंड्स दैट आर गुड साउंड सिलेक्शन ओके करने के बाद आता है परफॉर्मेंस आपकी परफॉर्मेंस एकदम हंड्रेड परफेक्ट होनी चाहिए आई नो परफेक्ट कुछ नहीं होता बट स्टिल यू कैन ट्राई सो पहली चीज है आपकी साउंड सेलेक्शन अच्छी हों साफ़ सुथरी हों दूसरा आपकी आगे परफॉर्मेंस तीसरी आगे आपकी मिक्सिंग अब क्वालिटी नेचुरली मिक्सिंग से बनेगी क्योंकि मिक्सिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है तो साउंड्स जो एक साथ आपने डाल तो दी बट वो फिर खिचड़ी बन जाएगी और सुनने में बुरा लगेगा आर ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे इनफैक्ट मैं कुछ सोच भी रहा था आने वाले टाइम में मैं आपके साथ कुछ ज़रूरी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगा जो कि ऑनलाइन नहीं अवेलेबल है तो मैं उन पर वीडियोज़ बनाऊँगा मिक्सिंग हैज़ टू बी गुड इफ़ नॉट परफेक्ट गुड भरत अरोड़ा डॉट बी बी टी टी पूछ रहे हैं कि न्यू रैप सॉन्ग कदों आना है तो एक सॉन्ग टाइम ते बना दो एक सॉन्ग टाइम ते बना दो मैं, मैं समझा नहीं टाइम के ऊपर बना दो या टाइम में रहते रहते बना दो मतलब ये मुझे नहीं समझ आया बट हाँ न्यू रैप सॉन्ग मैं बना रहा हूँ और अगली वीडियो शायद न्यू रैप सॉन्ग ही हो वर द क्वेश्चन बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आपने क्वेश्चन भेजे ये पता चलता है इस चीज़ से कि आप मेरा चैनल देख रहे हो और मेरी ये मेहनत बेकार नहीं जा रही आप इसी तरह से मेरा चैनल देखते रहो इसी तरह से कमेंट्स भेजते रहो लाइक्स करते रहो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इस चीज़ से मेरे चैनल को और आप जानते ही हो मैं कितना खुश हूँ आप सबके कॉन्ट्रीब्यूशन से थैंक यू सो मच बहुत मजा आया मुझे और मुझे उम्मीद है आपको भी मज़ा आया होगा और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हों या आपके माइंड में और कुछ क्वेश्चंस आ रहे हो आप कमेंट्स में लिख सकते हो मैं कमेंट्स में भी आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा और मे भी आने वाले टाइम में कुछ वीडियोज़ के बाद एक और क्यों ए वीडियो कर लेंगे एक और कर लेंगे क्या चक्कर है इस so मिलता हूँ अगले हफ़्ते तब तक के लिए चाओ